हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सीआरओ को आप कंपोनेंट टेस्टर के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपके पास कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ होते हैं, जैसे कि रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड्स एट्सेट्रा, फेट। सो हाउ यू कैन टेस्ट देम बिफोर यू आर एक्चुअली यू स्टार्ट यूजिंग देम इन ए सर्किट। कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि वेदर दे आर इन वर्किंग कंडीशन और नॉट, तो उसके लिए बेसिक इंस्ट्रक्शंस कुछ हम आपको पहले दे दें। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि आप जिस सीआरओ को यूज़ कर रहे हैं, इसको आपको कंपोनेंट टेस्टर मोड में ले जाना होगा। यहाँ एक बटन है, इसको जब आप प्रेस करेंगे, तो पहले तो हम आपको सीआरओ को ऑन करके दिखाते हैं। एक स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आएगी, क्योंकि अभी सीआरओ में कोई इनपुट सिग्नल नहीं है। और जब आप इसको कंपोनेंट टेस्टर मोड में ले जाएंगे, इस बटन को प्रेस करेंगे, तो अब ये कंपोनेंट टेस्टर मोड में चला जाएगा। उससे पहले ये पता होना चाहिए कि अब आपके जो बाकी स्विचेस हैं, जितने भी नॉब्स हैं, दे विल नॉट वर्क। आप सिर्फ इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं, फोकस कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके अलावा इसको ऑन ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी इसमें आप और ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो कंपोनेंट टेस्टिंग के लिए कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि अगर आपके कंपोनेंट किसी सर्किट में प्रेजेंट हैं, तो आप सर्किट में प्रेजेंट रहने के बावजूद भी आप उनको टेस्ट कर सकते हैं, वेदर दे आर इन वर्किंग कंडीशन और नॉट। बट उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं। तो अगर कंपोनेंट आपका सर्किट में प्रेजेंट है, तो उसके लिए प्रिकॉशंस कुछ ये है कि सर्किट में किसी भी तरह की पावर सप्लाई नहीं होनी चाहिए, ना तो उसमें कोई ग्राउंड कनेक्शन होना चाहिए, ना ही उसमें कोई कनेक्शन ऐसा होना चाहिए जो सीआरओ में कनेक्टेड हो। कोई प्रोब कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, कोई किसी तरह की पावर सप्लाई, किसी तरह का इनपुट सिग्नल। इन शॉर्ट के आपका सर्किट टोटली डेड होना चाहिए। तो सर्किट जब टोटली डेड होगा और पावर प्लग भी आपको सर्किट का जो होगा वो स्विच बोर्ड से बाहर निकाल के रखना होगा, उसी कंडीशन में आप अपने उस कॉम्पोनेंट को जो सर्किट में प्रेजेंट है तभी उसको टेस्ट करें। या फिर आप लूज़ कंपोनेंट भी लेकर के उसको टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है, तो इसको भी हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ इन वर्किंग कंडीशन और नॉट। तो पहले तो हम ये टेस्ट कर लें कि हमारा सीआरओ जो है वो ठीक से हमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंपोनेंट टेस्टिंग मोड में, तो सीआरओ आपका किसी तरह का कोई ये फंक्शन डिसेबल्ड हो जाएंगे। ये हम आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ से कुछ भी करेंगे, नथिंग विल चेंज। आप केवल ये एक्स पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा वाई पोजीशन भी आपकी चेंज नहीं होगी। तो ये आपके तीन बेसिक फंक्शन रहते हैं, एक्टिव, इंटेंसिटी कंट्रोल, फोकस कंट्रोल, एंड अनदर इज़ एक्स कंपोनेंट, एक्स पोजीशन। बस आप इसी को एडजस्ट कर सकते हैं, और कंपोनेंट टेस्टिंग मोड में और कुछ भी आपका एक्टिव नहीं होगा। तो वापस इसको नॉर्मल मोड लाने के लिए आपको इसको स्विच बैक करना होगा। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा सीआरओ, जैसे हम चैनल वाई को देखें, तो एक इसमें बीएनसी लगा करके, एक क्रोकोडाइल वायर लगा करके हम ये देख लेते हैं कि जिसके दूसरे एंड पे इस तरह का एक क्रोकोडाइल वायर है, उसका पॉजिटिव पार्ट प्रोब के फॉर्म में दिया हुआ है, और जो उसका ग्राउंड पार्ट है ये आपका, क्योंकि यहाँ एक कैलिब्रेटेड वोल्टेज ऑलरेडी दी होती है, तो इसमें जब हम लगाएंगे तो 0.2 पीक टू पीक वोल्टेज हमें मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर 0.2 सो दिस इज़ वन डिवीज़न, दिस इज़ वन डिवीज़न मल्टीप्लाई बाई 0.2, सो दिस इज़ इक्वल टू 0.2 पीक टू पीक वोल्टेज। सो आवर सीआरओ इज़ वर्किंग प्रॉपरली, वी डोंट नीड टू कैलिब्रेट इट। एक दूसरा सिग्नल भी इसमें दे रखा है टेस्टिंग के लिए, 2 वोल्ट पीक टू पीक वाला, इसको भी हम देख लेते हैं कि क्या हमें 2 वोल्ट पीक टू पीक मिल रहा है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 2 डिवीज़न पर एम्पलीट्यूड है स्क्वायर वेव का। तो यहाँ से जो स्क्वायर वेव आपको मिल रही है 2 वोल्ट पीक टू पीक है, इट मीन्स कि आपका सीआरओ जो है ऑलरेडी करेक्टली फंक्शन कर रहा है, इसमें आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी आपको बताते हैं कि कंपोनेंट टेस्टिंग मोड में आपको इसकी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि आपको ये जो वैल्यू आपके आ रही है 0.2 पीक टू पीक या कोई भी वैल्यू आपकी आ रही है, तो ये कंपोनेंट टेस्टर जो होगा आपको सिर्फ ये बताएगा कि आपका कंपोनेंट ठीक से फंक्शन कर रहा है या नहीं।
ये अगर आप इससे रेजिस्टेंस मेज़र करेंगे तो ये आपको नहीं बताएगा कि उसकी वैल्यू कितने ओम है। डायोड मेज़र करेंगे तो उसके बारे में कोई उसका पैरामीटर नहीं बताएगा, ट्रांजिस्टर का कोई पैरामीटर नहीं बताएगा। आप सोचिए कि उसका एच पैरामीटर बता देगा, कुछ नहीं बताएगा। सिर्फ इतना आप पता लगा सकते हैं कि आपका ट्रांजिस्टर, आपका फैट, आपका कोई भी कॉम्पोनेंट है, कैपेसिटर और देयर कॉम्बिनेशन, वेदर दे आर इन करेक्टली वर्किंग कंडीशन और नॉट। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट टेस्टिंग मोड में ले जाएंगे। तो ये जो शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन आप देखेंगे, सो दिस इज़ एन इंडिकेशन दैट योर CRO इज़ नाउ इन कंपोनेंट टेस्टिंग मोड। तो अब उसको टेस्ट करने के लिए आपको दो लीड की ज़रूरत है, जनरली बनाना प्लग भी कहा जाता है, लेकिन आप इस तरह की लीड से भी इसको टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कहाँ इसको कनेक्ट करना होता है उसको समझिए कि एक तो जहाँ कंपोनेंट टेस्टिंग लिखा हुआ है उसके एडजेसेंट एक प्लग के लिए एक होल है, इसमें एक लीड यहाँ लगाएंगे। दूसरा जो लीड होगा आप उसको वाई चैनल का जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड है वाई चैनल का, सो इसको इसमें लगा देंगे। उसके बाद ये जो दो एंड हैं इसके, आपके जो दो एंड हैं, आपको इनको कंपोनेंट के दोनों एंड पे लगा के देखना होगा ताकि आप ये इंश्योर कर सकें कि आपका कंपोनेंट फ्री है, किसी सर्किट में नहीं है। तो जैसे अगर हम डायोड को चेक करें, ठीक है, तो एक डायोड को आप चेक करेंगे तो ये जो आप चेक करेंगे ये बेसिकली इस पे, इस स्क्रीन पे जो आउटपुट दिखाई देगा ये उसके बेसिस पे आपको एनालाइज करना होगा कि वेदर योर कंपोनेंट इज़ करेक्ट और नॉट। तो ये आपकी नॉलेज में पहले से होना चाहिए कि एक डायोड का नॉर्मल पैटर्न कैसा आता है या उसका लिसाजस फिगर कैसा आएगा अगर आप उसको, उस कंपोनेंट को टेस्ट करेंगे। तो अगर हम इसके दोनों एंड को ऐसे कनेक्ट करते हैं तो आप देखिए इसमें एक स्टेयर टाइप का आ गया, ठीक है, इसको, तो ये इसका एक नॉर्मल इंडिकेशन है कि दिस इज़ ए करेक्ट डायोड, दिस इज़ नॉट अ डैमेज्ड डायोड, सो दिस इज़ ए वर्किंग डायोड। तो ये इसका स्टेयर टाइप का जो नेचर है ये बता रहा है कि आपका डायोड इस वक्त ठीक है। अगर हम इसको पलट के लगा देते हैं, ठीक है, तो केवल एक डायरेक्शन में ये चेंज हो गया है, अदरवाइज पैटर्न एक ही जैसा है। तो आप इसको फ्लिप करके भी चेक कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट को, लेकिन आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ कोई वैल्यू इंडिकेट नहीं की गई स्क्रीन पर कि इस डायोड का जंक्शन बैरियर कितना है, इसका जंक्शन कैपेसिटेंस कितना है, या इसकी कोई भी ऐसी पैरामेट्रिक वैल्यू जो किसी कंपनी से ये मैन्युफैक्चर होकर आता है, ये आपको नहीं पता चलेगा। बट दिस पैटर्न इज़ शोइंग यू दैट योर डायोड इज़ वर्किंग करेक्टली। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। सो दिस इज़ ए रेजिस्टेंस, वी डोंट नो इट्स वैल्यू बट लेट अस सी वेदर इट इज़ वर्किंग। सो देर इज़ ए टिल्टेड लाइन, लाइन विद ए स्लोप, सो इट इंडिकेट्स दैट दिस ट्रांजिस्टर इज़ वर्किंग करेक्टली। दिस नो विल वर्क, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई इंक्रीज इट बाई ए वैल्यू देन नथिंग विल हैपन, सेम पैटर्न विल अपीयर बिकॉज दिस इज़ राइट नाउ इनएक्टिव। ओके, सो लेट अस टेक अनदर कॉम्पोनेंट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ ए कैपेसिटर एंड वन इज़ पॉजिटिव लैग एंड अनदर इज़ नेगेटिव लैग, वी कैन कनेक्ट इट ईदर वे। सो एज सुन एज आई कनेक्ट इट यू फाइंड कैपेसिटर इज़ वर्किंग करेक्टली, यू कैन फ्लिप द टर्मिनल्स अगेन, सेम पैटर्न विल वुड अपीयर एंड इलिप्स वुड अपीयर। ओके, सो इट मीन्स दैट योर कैपेसिटर इज़ ऑल्सो वर्किंग प्रॉपरली। सो लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल, वट इफ़ वी कनेक्ट दैम इन पैरल, बिकॉज अगर आप दो कॉम्पोनेंट को किसी सर्किट में आप टेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा सर्किट ठीक है कि नहीं है, तो सर्किट में आपका कैपेसिटर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, हो सकता है वहाँ पर एक रेजिस्टेंस उसके पैरल में लगा होगा, तो वहाँ आपको कैसा पैटर्न नज़र आएगा। तो इनकेस अगर ये पैरल में होंगे, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर अगर पैरल में होंगे, फिलहाल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन देखते हैं कि इससे क्या लिसेजेस पैटर्न में डिफरेंस आता है। सो अगेन दिस इज़ एन एलिप्स एंड इसमें कुछ डिफरेंस होगा तो इसके जो एक्सिस पे जो मेजर एंड माइनर एक्सिस है उसमें कुछ चेंज आया होगा। अगर हम इसको फ्लिप करके देखते तो ये सेम नज़र आएगा आपको। उसके अलावा अगर आप इसका कॉम्बिनेशन किसी डायोड से लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई कनेक्ट अ डायोड इन द सीरीज ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो लेट मी सी व्हाट अपीयर। सो यू सी दैट देर इज़ एन इंटरेस्टिंग पैटर्न अपीयरिंग। सो देर इज़ कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड देर इज़ ए डायोड इन सीरीज, सो द लिसाजस पैटर्न वुड चेंज। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई
योर कॉम्पोनेंट्स वेदर दे आर इन पैरेलल और सीरीज एंड देन यू कैन कंपेयर इट विद द आउटपुट लिसाजेस फिगर. ओनली देन यू कैन कंक्लूड दैट दिस एंटायर सर्किट इज वर्किंग करेक्टली. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू कैन टेस्ट योर CRO फोर कॉम्पोनेंट टेस्टिंग एंड दिस इज वेरी इजी. एंड टू गो बैक यू नीड टू टर्न इट ऑफ. नाउ योर CRO इज इन नॉर्मल वर्किंग मोड वेर यू कैन प्रोवाइड इनपुट टू दीज टू चैनल्स एंड यू कैन एनालाइज देयर पैटर्न ऑन दी CRO स्क्रीन. तो इसमें प्रिकॉशंस वही हैं, इसको हम फिर से एक बार बता दें कि आपके जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो किसी भी तरह से ना तो ग्राउंडेड होने चाहिए, ना उनमें कोई इनपुट सिग्नल होना चाहिए, ना ही उनका कोई कनेक्शन किसी पावर सोर्स से होना चाहिए. DC, AC, whatever बी द सोर्स, इवन द प्लग हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द सॉकेट. सॉकेट से प्लग भी रिमूव करना होगा, यानी कि कंप्लीट डेड सर्किट को ही आप एनालाइज करें. या सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप एक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट को अपने सर्किट से निकालें और उसको कंपोनेंट टेस्टिंग मोड में आपके CRO से उसे टेस्ट कर सकते हैं. सो CRO से टेस्ट करने के बाद आपको सिर्फ ये पता चलेगा वेदर इट इज़ इन करेक्ट वर्किंग कंडीशन और नॉट. इसके लिए कोई ऐसा न्यूमेरिकल पैरामीटर आपको नहीं पता चलेगा कि इसका रेजिस्टेंस इतना है, इसका कैपेसिटेंस इतना है, या इसका डायोड का जंक्शन कैपेसिटेंस इतना है, व्हाटएवर. तो ये कुछ फिगर्स हैं जिसको मैं आपको बता देता हूँ कि दीज आर सम फिगर विच आई हैव ऑब्टेंड फ्रॉम दी मैनुअल ऑफ दिस CRO दैट फॉर ए रेजिस्टेंस. जैसे हमने देखा कि रेजिस्टेंस के लिए एक टिल्टेड लाइन हमारे पास आई थी, एक स्लोपी लाइन हमारे पास आई थी. अगर एक कैपेसिटर यूज़ होगा तो उसके लिए हमने देखा कि हमारे पास एक एलिप्स आया था. और इसी तरीके से अगर हमारे पास जीना डायोड होगा, फिलहाल तो हमारे पास ऑर्डिनरी डायोड था. सो दिस वन इज़ ऑर्डिनरी डायोड, दिस वन इज़ फॉर ऑर्डिनरी डायोड. इसी तरह का पैटर्न हमको मिला था. तो ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है. और इसी तरीके से ये एमिटर और कलेक्टर का कॉम्बिनेशन है. एमिटर और कलेक्टर के अक्रॉस अगर आप लगाएंगे किसी ट्रांजिस्टर पे, अगर आपके पास एक ट्रांजिस्टर है आप उसको चेक करना चाहते हैं वेदर इट इज़ इन करेक्ट वर्किंग कंडीशन और नॉट, तो आप एमिटर और कलेक्टर को भी लगा सकते हैं और उसके बेस और एमिटर को भी लगा सकते हैं. तो आपके पास ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न नज़र आएंगे. तो ये पैटर्न का एक तरह से आपके पास एक रेफरेंस मटेरियल पहले से होना चाहिए. और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जो जिस मॉडल को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं कि वी आर यूजिंग साइंटिफिक 30 MHz ऑसिलोस्कोप SM410, तो यहाँ जो कंपोनेंट टेस्टिंग आप यूज़ कर रहे हैं तो वो कोई भी कंपोनेंट अगर आप यूज़ करते हैं तो क्योंकि उसका एक इंटरनल इम्पिडेंस होगा, उस सर्किट का कोई इम्पिडेंस होगा या रेजिस्टेंस आप कहें कि होगा, तो उस टोटल कॉम्बिनेशन का या उस इंडिपेंडेंट एक कॉम्पोनेंट का जो रेजिस्टेंस है वो उसकी एक लिमिट है कि आप उससे कम या उससे ज़्यादा में आप नहीं यूज़ कर सकते. तो उसकी लिमिट क्या है वो हम आपको बता देते हैं कि 20 ओम का अगर आप कोई वैल्यू यूज़ कर रहे हैं टेस्ट करने के लिए, अगर आप 20 ओम का कोई रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं या कोई ऐसा कॉम्पोनेंट जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम से कम होगा, तो फिर आपको ये एक ओपन सर्किट के तौर पे दिखाएगा, शॉर्ट सर्किट. इसका मतलब है कि वो कोई रेजिस्टेंस वहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, वो कनेक्टिविटी दिखाएगा, यानी कि दिस इज़ एंटायरली कनेक्टेड. तो उसके लिए भी हम एक आपको पैटर्न दिखा देते हैं, फिर से इसमें लगा के कंपोनेंट टेस्टिंग मोड में जाते हैं. ये लीड हम आपको लगा देते हैं कि अगर आपके सर्किट का रेजिस्टेंस 20 ओम से नीचे है तो फिर आपके पास कैसा पैटर्न नज़र आएगा. तो ये जो दो लीड हैं अगर मैं इनको डायरेक्टली कनेक्ट कर दूँ तो एक वर्टिकल लाइन नज़र आएगी, क्योंकि ये जो वायर्स हैं इनका जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम से नीचे है. सो एक जो वर्टिकल लाइन आपको नज़र आएगी तो इसका मतलब है कि ये आपका शॉर्ट सर्किट है, दिस इज़ ए शॉर्ट सर्किट. तो कोई भी कंपोनेंट अगर आप इसमें यूज़ करेंगे तो उसकी मिनिमम वैल्यू 20 ओम होनी चाहिए, उससे नीचे वो शॉर्ट सर्किट उसको दिखाएगा. और अगर आप हाई वैल्यू की बात करें कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम इम्पीडेंस सर्किट का कितना हो सकता है, तो इस CRO के लिए जो मैन्युफैक्चरर ने इसको डिज़ाइन किया है, तो इस CRO के लिए उसकी वैल्यू जो होगी वो 4.7K होगी. उसके अलावा उससे ऊपर आप कोई भी कंपोनेंट मेज़र करेंगे तो आपको वो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगा, इसी तरह की शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन. वो शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन का इंडिकेशन ये होगा कि वो आपको ओपन सर्किट बताएगा. ओपन मीन्स जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि दिस इज़ ओपन नाउ, इट मीन्स कि देर इज़ वेरी लार्ज रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. सो एक ऐसी लाइन जो होगी दैट
इट मीन्स देर इज़ ए ओपन सर्किट. इफ़ यू कनेक्ट इट बिलो 20 ओम सो इट विल शो यू अ वर्टिकल लाइन, इट मीन्स दिस इज़ ए शॉर्ट सर्किट. सो ये और दो आपके बेसिक इंस्ट्रक्शन में थे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.